कहानी है। एक औरत वृंदावन जाया करती थी, जाते जाते बहुत समय बीत गया उसको और बुढ़ापा आता है। तो किस तरह से कवि ने कल्पना की है इस भजन के अंदर, सभी का सुना हुआ भजन है और ज्यादा समझाने की भी इसमें कोई जरूरत नहीं है। आइए सीधा भजन की तरफ चलते हैं। किस तरह से भला, भगत के वस में है भगवान। सुनने का और ध्यान लगाने का ये भजन है, मेरा निवेदन है थोड़ा सा ध्यान रखें। भगत के वस में है भगवान, के वस में है भगवान, भगत के वस में है भगवान, भगत के वस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, 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 ना कुछ उसकी शान। भगत के समझे कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजन उस छोटे से श्याम सलोने को। बुढ़ापा जब आ गया तो एक तस्वीर को लेकर के, एक मूरत को लेकर के वो वृंदावन से अपने घर आई और उसको ये समझ लीजिए कि जैसे अपने बच्चे को माँ प्यार करती है उसी तरह से प्यार करने लगी। कैसे भला, हमेशा सजा के रखे लाड लड़ा के रखे, हमेशा सजा के रखे वो लाड लड़ा के रखे, हमेशा सजा के रखे वो लाड लड़ा के रखे। वो दिन में जाके देखे, रात में जाके देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, भगवान।
समय बीतता चला गया, कई वर्ष बीतने के बाद में एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ काम चल रहा था। उसके जो बेटे की जो बहुएं थी वो कुछ काम कर रही थी, तो अचानक वो तस्वीर जो थी, वो बाबा की जो मूर्ति थी, वो एकदम से जमीन पर गिर जाती है। तो उस बूढ़ी अम्मा को, उस बूढ़ी माँ को बहुत परेशानी हुई, और परेशान इतनी ज्यादा हो गई, कैसे समझ लीजिए कि जैसे इसका अपना बेटा ही जमीन पर गिर गया हो और उसको चोट लग गई हो। कैसे बताया है आगे कभी? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुलम हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, है भगवान, और भाई एक से एक रुपए हमारे परमादनी भाई अशोक फ्रॉम निक्की जी, उनकी तरफ से 500 रुपए पहले दिए गए, 100 रुपए फिर हमारे इस भजन पर खुश होकर के आदर सत्कार सम्मान में दिए जाते हैं। बाबा हमेशा भाई की मनोकामना को पूर्ण करते रहे, हमेशा उनके घर में खुशियों का आगमन होता रहे। बोल सच्चे दरबार की। और भाई बहुत इनाम पहले, और 100 रुपए फिर हमारे आदरणीय श्री चंद शर्मा जी और श्री शंभु दयाल शर्मा जी, जिनके घर पे आज अब बहुत ही भव्य जागरण हो रहा है। बाबा मोहनराम के श्री चरणों में ज्योत जलाई गई है, परमात्मा बाबा मोहनराम उनकी मनोकामना पूर्ण करें। 100 रुपए फिर देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो दिन से बार बार धन्यवाद करते हैं। उस बूढ़ी अम्मा ने इतनी परेशान कर दिया बेटों को और बहुओं को, उन्होंने कहा कि माँ ये मूर्ति ही तो गिरी है जमीन पर, इतनी क्या आपके मन में परेशानी हो गई, इतनी क्या दिक्कत हो गई कि आप इतनी परेशान हो। लेकिन जिद पर अड़ गई वो बूढ़ी माँ और ये कहने लगी कि भाई डॉक्टर को बुला करके लाइए, ये कहीं ना कहीं चोट जरूर लगी है मेरे इस बालक को, इस कृष्ण कन्हैया को, इस लड्डू गोपाल को कहीं ना कहीं चोट आई है, इसको दिखाओ। साथियों जिद करने लगी, बहुत जिद करती है वो बूढ़ी, कैसे क्या बताया है इस भजन में आगे आइए। बना पीतल से मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो बहन की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है।
ये कहने लगा डॉक्टर भी अचरज में हो गया कि भाई क्योंकि उसको फीस दी थी, पैसे दिए थे कि भाई तुझे चल करके इलाज करना है, उसने तो अपनी फीस पहले ही ले ली थी। कहा कि बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना, पड़ा बेजान है जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा सुना नहीं। ये कहने लगा वो डॉक्टर भी कि माँ ये पीतल का खिलौना है, ऐसा तो मैंने कहीं आज तक भी नहीं सुना कि भाई उसको चोट लग जाए, पीतल को लोहे को चोट लगे, ऐसे मैंने कहीं सुना नहीं है। तो क्या हुआ केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है चकरा गया, करिश्मा हो गया। उस बुढ़िया ने ये चीज पकड़ ली कि तो तेरा डॉक्टर साहब कान में लगा करके जो चेक करते हैं कि भाई एक बार उसको लगा करके चेक कर, हो ना हो मेरे श्री कृष्ण के प्राण, मेरे बच्चे के प्राण चल रहे हैं, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। लेकिन डॉक्टर ने मन से ना चाहते हुए भी, क्योंकि पैसे मिले थे भाई, काम तो जरूर करना था, बहुत ज्यादा परेशान होकर के, और उसने जैसे ही टेस्ट करने के लिए लगाया तो करिश्मा हुआ। कवि की कलम क्या लिखती है आगे बताया, क्या लिखा है जो ही सीने से लगाया डॉक्टर फिर चकराया, उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया। देखिए अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पोछने छूट गया उसका छक्का, पसीना लगा पोछने छूट गया उसका छक्का, पसीना लगा पोछने छूट गया उसका छक्का। अचरज हो गया, परेशान हो गया डॉक्टर भी, कैसा कैसे हो सकता है। 100 बार निकाल कर लगाया, 100 बार निकाल कर चेक किया, लेकिन कह दिया करते हैं हमारे बुजुर्ग भी कि फूटी आग से भी अगर मन से रोया जाए तो आंसू आते हैं। क्या हुआ, कैसे लिखा भला, पसीना जम कर आया गया हक्का बक्का, पसीना जम कर सबसे बड़ा अचरज था उसका डॉक्टर का कि भाई ऐसे हो कैसे सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिसको आदमी सोचता ना हो, जिसके बारे में कल्पना भी कभी जिंदगी में नहीं करी हो, ऐसे कार्य भी आदमी के इंसान के साथ हो जाया करते हैं। क्या हुआ आगे सुनिए, माँ से मिलने की खातर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था, तुम्हारी
समझा हो या ना समझा हो, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि ये माया क्या है, ये लीला क्या है, मैं समझ गया हूँ। ये नहीं समझे जो सारे बैठे हैं, तेरे बेटे तेरी बहुएं, ये नहीं समझे, मैं समझ गया हूँ कैसे भला। माँ से मिलने की खातर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, तू इसको गोद में ले ले, लल्ला मुस्काने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे तुझे भी नचाने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे तुझे भी नचाने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़ियो इस लल्ला ने, कस के पकड़ियो इस लल्ला ने, थोड़ा सा शैतान भगत के बस में है, डॉक्टर ने भी अपने उसी दिन से साजो सामान को धर दिया और मथुरा की सुत लगा ली। ये कहने लगी माँ की, भाई डॉक्टर तू कहाँ जा रहा है, तूने तो ये सामान सारा यहीं छोड़ दिया है। ये कहने लगा कि माँ अभी ये साजो सामान की जरूरत नहीं है, परमात्मा से मिलना है, तू थोड़ी सी मेरे लिए एक कष्ट कर दे। क्या कष्ट कर दे, कैसे कहने लगा हो? घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं को जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं को जा रहा हूँ। बुला कर मुझको मैया, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे तेरे लल्ला से कह दे, वही वृंदावन में ये डॉक्टर प्राण दे दे, वही बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी और तू नहीं पागल, पागल सारा जहाँ भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस।